नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल अंक सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है देवताओं का जो शिल्पी है, वास्तु शिल्पी है, उसका नाम क्या है, जिसका उल्लेख महाभारत में कई बार आया हुआ है? क्या आपको पता है देवताओं का वास्तु शिल्पी कौन है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्मग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो बिना किसी देर किए हुए हमारे आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको तीन सवाल पूछे थे, उन तीन सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। कल का हमारा पहला सवाल था, कर्ण के दिग्विजय के पश्चात दुर्योधन ने जो यज्ञ करवाया था उस यज्ञ का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है वैष्णव यज्ञ। जी हाँ दोस्तों, कर्ण बहुत बड़ा दिग्विजय करता है। कर्ण का दिग्विजय यानी कौरवों की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन, और इसी खुशी में कर्ण ने किया दिग्विजय देख दुर्योधन यज्ञ करवाता है, और उस यज्ञ का नाम था वैष्णव यज्ञ। कल का हमारा दूसरा सवाल था, जब महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है, अपने हाथों के शस्त्रास्त्रों का त्याग कर देता है और सन्यास लेने का विचार उसके मन में आता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश करते हैं, उस उपदेश से पुनः धर्म रक्षा के लिए वह ससज्ज होता है। उस उपदेश का जो संकलन है एक ग्रंथ में किया गया है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है यह, आप सभी को इसका जवाब पता है, उस ग्रंथ का नाम है श्री भगवद गीता। जी हाँ दोस्तों, जो आज भी हमें, आपको और पूरी दुनिया को एक सही राह चलने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर श्री गीता सार नाम से हम हर रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के जो उपदेश है उसको कम शब्दों में आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। इसीलिए हर रोज 7 बजे हम श्री गीता सार नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके ऊपर हम वीडियो छोड़ते हैं। हमारी प्लेलिस्ट की लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश को आप तक पहुंचाने का हम छोटा सा प्रयास करते हैं, तो आप वह वीडियो भी अवश्य देखते रहिए। तो कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, जब भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के कुरुक्षेत्र में अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, जिस रूप को देखने के बाद अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मित्र नहीं एवं ईश्वर लगने लगते हैं, उस रूप का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब था विश्वरूप। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही भयंकर विशाल विराट रूप दिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। अर्जुन भी कंपायमान हो जाता है यह रूप देख और भगवान से विनंती करता है कि हे प्रभु, अपना यह विश्व रूप समेट लो, मेरे से और सहन नहीं होता। इतना भगवान का भयंकर रूप भगवान वहां पे दिखाते हैं। तो कल के यह थे तीन सवाल, बहुत ही प्यारे सवाल थे। कल के सवाल में कहता हूं कि पूरे महाभारत प्रश्नोत्तरी जो हमने पूछे इनमें से सबसे आसान और सबसे सुंदर सवाल थे। तो इन तीन सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य, जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्य की जगह पर आपके नाम भी हो, तो दोस्तों हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक यानी कि 1 घंटे के अंदर हमने पूछे इन तीन सवालों के सही जवाब यदि आपने कमेंट बॉक्स में दिए, तो आपका नाम भी अगली वाली वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, जिसमें महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हमने उसमें दी है, तो हमारे YouTube चैनल पर महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें हमारे पिछली वाली सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके वजह से आपको महाभारत के बारे में बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमारे पिछली वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए, जिस प्लेलिस्ट की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो बिना किसी देर किए हुए आज के तीन सवाल क्या है वह देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला सवाल है, नकुल के शंख का नाम क्या था, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है सुहोत्र, दूसरा पर्याय है विजय, तीसरा पर्याय है देवदत्त, चौथा एवं आखिरी पर्याय है सुघोष। तो आपको नकुल के शंख का नाम बताना है, जिसके लिए आपको पर्याय भी दिए हैं। दोस्तों, इन चार पर्यायों में से सही पर्याय का चुनाव कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का आपका दूसरा सवाल है, द्रुपद के जिस यज्ञ से द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था, उस यज्ञ का नाम क्या है, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है पुत्रेष्टि यज्ञ, दूसरा पर्याय है अश्वमेघ यज्ञ, तीसरा पर्याय है राजसूय यज्ञ, चौथा एवं आखिरी पर्याय है वैष्णव यज्ञ। तो दोस्तों, इन चार पर्यायों में से सही पर्याय का चुनाव कीजिए
और बताइए, हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि कौन सा यज्ञ राजा द्रुपद ने किया था। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो वह अवश्य देखिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे सवालों की कड़ियां आपको वहां से प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए आज का तीसरा अंतिम एवं आखिरी सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आपका तीसरा सवाल है, देवताओं के वास्तुशिल्पी का नाम क्या है, जिसके लिए आपको पर्याय दिया जाते हैं। आपका पहला पर्याय है मय, दूसरा पर्याय है विश्वकर्मा, तीसरा पर्याय है शिल्पवान, चौथा एवं आखिरी पर्याय है पुरोचन। दोस्तों, जिस शिल्पकार ने द्वारका निर्माण करवाई थी, जिस शिल्पकार ने देवताओं के हर वास्तुओं का निर्माण किया है, उसका नाम आपको बताना है। कैसे ढूंढिए, किसी से पूछिए, गूगल पर सर्च कीजिए, महाभारत धर्म ग्रंथ में देखिए और हमने पूछे इन तीन सवालों के सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो यह थे आज के आपके तीन सवाल, हमने पूछे इन तीन सवालों के सही जवाब। एक घंटे के अंदर यदि आपने हमारे कमेंट बॉक्स में दिए तो आपका नाम भी अगली वाली वीडियो में विजय सदस्य की जगह पर हो सकता है। यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको बताया ही है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट दी है, उसमें जाकर पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद गीता सार भी देखना है तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। और दोस्तों, यदि आपको महाभारत से जुड़े कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछते जाओ, तो हम उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हर रविवार हम Q&A सेक्शन लेने वाले हैं, जिसमें सवाल आपके होंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे हम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।